हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, डिज्नी हॉटस्टार पर मैंने शो टाइम के नाम से एक सीरीज देखी और अभी ये सीरीज आधी अधूरी है। ये क्या है? इस सीरीज के अभी सिर्फ 4 एपिसोड्स ही आए हैं और हर एपिसोड 40 मिनट्स का है। अब ये सीरीज कैसी है, इस सीरीज में क्या क्या है, मुझे कैसी लगी, फटाफट से हम इस बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सीरीज बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बनी हुई है और इस सीरीज के थ्रू आपके सामने बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत सारी बातें सामने आएंगी। आपको इस इंडस्ट्री के बहुत सारे सीक्रेट्स पता चलेंगे, जैसे रिव्यू सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे वहां के लोगों को सिर्फ नंबर्स की पड़ी हुई है ना कि एंटरटेनमेंट की, मतलब एंटरटेनमेंट गया भाड़ में, किसने कितना पैसा कमाया वगैरह वगैरह। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। शो टाइम सीरीज को करण जौहर के धर्मेटिक प्रोडक्शन ने बनाया है और इस सीरीज में नसीरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी, मौनी रॉय, महिमा मखवाना, राजीव खंडेलवाल जैसे एक्टर्स को कास्ट किया गया है और इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा कैमियोज होने वाले हैं, एकदम भर भर के कैमियोज हैं। शो टाइम सीरीज की स्टोरी लाइन ये है कि एक वेल स्टेब्लिश्ड फिल्म कंपनी है जिसके ओनर है विक्टर खन्ना, उनके अपने बेटे रघु प्लेड बाय इमरान हाशमी से नहीं बनती है और महिका नंदी नाम की क्रिटिक आती है जो एक दिलचस्प ट्विस्ट लेकर आती है और ये ट्विस्ट क्या है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस सीरीज के स्टार्टिंग के जो 2 एपिसोड्स है ना वो बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग है, पर थर्ड और फोर्थ एपिसोड थोड़े से फीके हैं और लेकिन डायलॉग्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जिसमें एक डायलॉग जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो ये था कि एक स्टार सुपरस्टार तभी बनता है जब वो पान मसाला का एड करता है। पान मसाला नाम सुनकर आपके दिमाग में अजय देवगन का नाम तो आ ही गया होगा। क्या बोला तूने? इसके बाद साउथ इंडस्ट्री की भी बात की गई है कि साउथ इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को ओवरटेक कर लिया है। बात तो सही है। इस सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो जून में आएगा और अभी इस सीरीज में ऐसे कुछ वल्गर सीन्स नहीं है, पर इस सीरीज में इमरान हाशमी है तो उनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। पर फ्रेंड्स, इस सीरीज में गालियां बहुत ज्यादा हैं। मुझे ये 4 एपिसोड्स की सीरीज ओकेश लगी। मैं इस सीरीज को 3 रेटिंग देती हूँ आउट ऑफ 5 और आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं न्यू वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।